अभी हाल ही में मार्केट में एक बुक लॉन्च हुई, द्वेषद्रोही। सिर्फ नाम ही अलग नहीं है, स्टोरी भी बहुत हटके है। ये बुक हिंदी लेखक शशांक भारती ने लिखी थी, जो कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं। बुक पढ़ते ही मुझे उनसे कई सवाल पूछने थे। बतौर राइटर कैसे एक किताब लिखी जाती है, इसके ऊपर मैंने एक इंटरव्यू भी लिया है उनका। अभी आपको अगर वो इंटरव्यू देखना हो तो ऊपर राइट हैंड साइड पे लिंक आ रहा है, जाके ज़रूर देखें। उनसे इंटरव्यू लेने के लिए मुझे पुणे जाना पड़ा, क्योंकि उनकी पोस्टिंग पुणे में ही है। पुणे पहुंचते ही भैया ने मुझे स्टेशन से पिक कर लिया और सीधे ले गए हम लोग को अपने घर। अब घर क्या, इसको आप बंगलो भी कह सकते हैं। ऐसा घर जिसमें आपको कोकोनट, मैंगो, गुआवा और ना जाने कितने प्रकार के पेड़ दिख जाएंगे। पहले ही दिन हम लोग ने सिर्फ बात करी और मौसम के लुफ्त उठाए। काफ़ी सारी चीज़ें और भी हम लोग ने डिस्कस करी। शाम को पास वाले पार्क में समय बिताया और साथ ही साथ अगले दिन का भी प्लान डिस्कस किया। वैसे पुणे की बारिश बहुत ही खूबसूरत थी। अर्ली मॉर्निंग सिंगल फोर्ड के लिए हम दोनों रवाना हो चुके थे। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको दिखाई देंगे। पुणे के लोकल विलेज के बीच से हमारी बाइक होते हुए सीधे सिंगल फोर्ड के पास पहुंचती है, जहां हमारे भैया ने हमें दो ऑप्शन दिए। पहला कि बाइक से सीधे फोर्ड तक जा सकते हैं, दूसरा कैसा जा रहा है आपका? ठीक है, तुम बताओ। अभी आधा भी नहीं हुआ है, हालत ख़राब हो गई। अभी कितना बचा होगा? हम अभी 30% आए हैं, 70% बचा हुआ है। सिंगल फोर्ट जो है ये ताना जी आपने मूवी देखी होगी उसमें दिखाया गया है, उन्हीं का फोर्ट था। इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या इसका इतिहास रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैक करके आपको ऊपर जाना है। मान लीजिए कि 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी। हमारे साथ भैया जो हैं, उनका नाम शशांक है, चलिए उनसे बात करते हैं। हाय। हेलो। तो भैया फिर इस ट्रैक के बारे में और इस फोर्ट के बारे में कुछ बताइएगा हमें। वो पुणे जो शहर है वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में झीलें हैं। जैसे अभी हम आए रहते रास्ते में तो खड़कवासला झील पड़ी थी। खड़कवासला झील से पूरे पुणे को पानी सप्लाई होता है। तो ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हम चलते चलते बात करें। वो जो आप ऊपर देख रहे हैं वो फोर्ट है। तो जो आप वहाँ पे देख रहे हैं वो फोर्ट घिरा हुआ है। तो चारों तरफ यहाँ पे ट्रैक्स हैं बहुत सारे, मतलब ट्रैकिंग के लिए यहाँ का पैशन है लोगों का, ये ट्रैकिंग वीकेंड्स पे जाते हैं। तो जो ट्रैक्स हैं वो बहुत सिंपल से होकर के बहुत डिफिकल्ट ट्रैक्स तक हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको ट्रैकिंग की शुरुआत करनी है तो आप सिंगल फोर्ट से करिए। कम से कम 1 से 1.5 घंटे का ट्रैक है। चढ़ाई बहुत स्टीप नहीं है जैसे हम देखेंगे, और बीच बीच में प्लेन्स भी हैं। तो बहुत ज़्यादा थके बिना हम ये ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं। बीच बीच में नींबू शिकंजी वगैरह की दुकानें वगैरह हैं, तो रेस्ट करते हुए कर सकते हैं। चढ़ान देखिए बहुत संभल के करने वाली है, और बरसात के मौसम में तो और भी संभल के करने वाली है। और बहुत कुछ शूज चाहिए इसके लिए। हाँ, अगर हाइकिंग कर रहे हैं आप, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इक्विपमेंट्स और शूज़ भी ले लीजिए, क्योंकि नॉर्मल जीने तो नहीं है ये। एक यहाँ है, दूसरा वहाँ है। आप व्यू देखिए यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो अभी तो आधा भी नहीं चढ़े हम लोग। आधा तुमने भी 30% मिलेगा। तो ऊपर से क्या व्यू होगा फिर, ये सोचिए। चल के देखते हैं। ऐसे चढ़ाने हैं, ऐसे चढ़ना है आपको। चलिए चलते हैं। तो हाथ में कैमरा हो और दिक्कत होता है। हाँ, एक ही हाथ फ्री रहता है ना सर, जरा सा स्लिप हुए तो केवल पैरों पे डिपेंड रहना है। व्यू देखिए कितना अच्छा है। गुड गुड, ठीक है आप भी।
देखते ही देखते भैया ने रफ्तार पकड़ ली। भैया 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 ले ले भाई फोकस, भैया गए। तो हम लोग को ट्रैकिंग करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, 15 से 20 मिनट बोल सकते हैं बिना रुके, और अभी इतने ऊपर आए हम लोग। ये व्यू है यहाँ का, और फाइनली हमें एक दुकान मिल गई जहाँ से हम लोग पानी खरीद सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, और हम लोग वही करने जा रहे हैं। तो चलिए कुछ पीते हैं और कुछ बात करते हैं। तो अभी आधा भी नहीं हुआ है। अभी कैसा जा रहा है आपका ट्रैकिंग? ठीक है, तुम बताओ। अभी आधा भी नहीं हुआ है, हालत ख़राब हो गई। अभी कितना बचा होगा? हम अभी 30% आए हैं, 70% बचा हुआ है। 70% बचा है, अच्छा है। दादा ने दुकान खोल रखी है और नींबू पानी मिल जाएगा हमें। दादा पीछे नींबू पानी बना रहे हैं तो कम से कम पानी मिल जाएगा हमें। मुझे लग रहा है कि आज वीकडे है ना, हाँ, तो एक भी शॉप नहीं मिलेगी, सीधा ऊपर ही मिलेगी। अब हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं इस फोर्ट के बारे में। रेडी? तो कुछ बताइए हमें इस फोर्ट के बारे में। फोर्ट का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो मराठा एम्पायर थी शिवाजी महाराज की, तो उसके वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्ट्स में से ये है, क्योंकि ये तानाजी मालुसरे ने जीता था। थैंक यू दादा। और तानाजी मूवी भी आई थी तो उसमें ये चीज़, उसमें ये फोर्ट दिखाया गया है। हिस्ट्री इसकी 2000 साल पुरानी जाती है, जितना मैंने गूगल करा और विकीपीडिया पे पढ़ा है, क्योंकि हिस्ट्री में, मतलब जो हमारी नेशनल हिस्ट्री, उसमें बहुत कुछ तो नहीं मिलता है, बट जितना मैंने पढ़ा है और जितना लोगों से बात करी है, तो ये 2000 साल पुरानी जाती है। कोई कोली ट्राइब थी, नागनाइक उसके चीफटेन थे, तो उन्होंने ये सिंगल फोर्ट बनाया था। इसका नाम वैसे कोंढाना फोर्ट है, एक्चुअल नाम कोंढाना फोर्ट है। इसका नाम इस तरह से पड़ा इसका, कि जब इसको जीता तानाजी मालुसरे ने, तो उस शहाद उनकी शहादत हुई, मतलब वो शहीद हुए उसके दौरान, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि गढ़ आला पर सिंह गेला, मतलब गढ़ तो हम जीत गए बट जो हमारा लायन था वो चला गया। तो इसलिए इस कोंढाना फोर्ट का नाम सिंहगढ़ पड़ा, सिंह का गढ़, यानी तानाजी मालुसरे का गढ़। तो कुछ ज्ञान की बातें करके हम फिर चल दिए नेचर के करीब ट्रैकिंग करने। एक बार फिर भैया रफ्तार पकड़ ही रहे थे, लेकिन इस बार नहीं। अरे हमारे साथ हिंदी जगत के इतने मशहूर लेखक हैं, कुछ पंक्तियां तो बनती हैं। आए हैं मेरे द्वारे मेरे खैर ख्वाह हाले, मेरा आशियां जलाकर मुझे फूस देने वाले, मेरे काम की नसीहत हर पहर देने वाले, मेरा भला चाहते हैं मुझे जहर देने वाले। अब बस एक ही चीज मेरे दिमाग में चल रही थी, ये साला ट्रैक खत्म काहे को नहीं होता बे। तो फाइनली हम लोग ऊपर तक आ गए और फोर्ट जो है वो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, और थकान तो हो गई। यहाँ पे कैरी खा रहे हैं हम लोग उसको, आम को, आम है ना ये, हाँ भाई इसको कैरी बोलते हैं, तो ये खा रहे हैं, छाछ पियेंगे, अंदर जाके देखते हैं और क्या है। बाकी यहाँ से व्यू तो
ट्रैक का एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आई। अब फोर्ट देखते हैं, फोर्ट कैसा था यहाँ का, आपका क्या कहना है भैया? लग गई भाई कुछ कहने को बचा नहीं है। सेम यार तो चल के देखते हैं, कुछ खाते हैं पहले। तो फोर्ट पे अभी तो फोर्ट काफ़ी ढह गया। ढह हाँ। इसलिए गया क्योंकि जब अंग्रेजों ने इसको जीता पेशवाओं से तो काफ़ी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि वो तो कल्चर आपका तबाह करते थे आपको नीचे दिखाने के लिए। हाँ। तो इसलिए अब बहुत कम बचा हुआ है वो चीज़। पर जब वो ये फोर्ट था तो इसमें काफ़ी कुछ था। और कान्हा जी ने एक वो एक स्टोरी भी चलती है कि एक खास तरह की छिपकली होती है जिसकी मदद से वो चढ़ के छिपकली चढ़ती गई और उसके पीछे वो लटक के वो चढ़े थे और किस तरह से उन्होंने जीता था। जब मैं फोर्ट पहुंचा तो मुझे लगा ये किसी दूसरे फोर्ट की तरह ही होगा, लेकिन जैसा कि भैया ने बताया था, ब्रिटिशर्स ने सब तोड़ दिया था और यहाँ पे सच में कुछ नहीं बचा था, सिर्फ बाउंड्रीज बची थी फोर्ट की। हाँ, लेकिन आपको एक तोप ज़रूर दिख जाएगी। मसाला ताक जो का दे जो मटका दे ये कुलर मजे वर्षा ए वर्षा बोल मिट का बात बताओ मेरी बिजली से कांदा भाजी आ गई है और झुमका भाकर भी आ गया है खा रहे कुछ खाने पीने के बाद हम लोग फोर्ट का ड्रोन शॉट लेने के लिए चल देते हैं। देखिए चालू हो गया, दोबारा दबाने में बंद होगा। ठीक है। कितना दूर रह सकता है ये, दिखाते हैं आपको, आइए। भाई साहब कहाँ जा रहा है ये, मतलब कैमरे में तो नहीं आ रहा होगा, मेरी आंखें भले देख पा रही हैं। वो जा रहा है, ओए होए होए। इतनी ट्रैकिंग के बाद जो एरियल शॉट मिला है मुझे, यहाँ आना वसूल हो गया मेरा। इससे अच्छी और हेल्दी गुड मॉर्निंग और क्या हो सकती है किसी की। नीचे उतरने की अपनी अलग ही कहानी है। तुम्हारा कैमरा भी तो फूटेगा, गिरेंगे तो गिरेंगे तो ऐसे मुंह के बल गिरेंगे, और आगे तुम सबसे आगे तुम्हारा कैमरा ही है। फिर डॉक्टर इंटरव्यू लेंगे हॉस्पिटल में, यहाँ से तो कोई उठाने वाला भी नहीं आएगा जो उठाया हमें। तुम्हें ही सूझी थी शॉर्टकट की, पूरा पैर जमा के आराम से जब तक हाथ पकड़ में ना हो कोई। दोनों हाथ दोनों पैर लग रहे हैं, और आगे जाके रास्ता बंद हुआ ना तो चढ़ने में तो बैंडी बच जानी है। नदी ये रास्ते पता है कौन बनाता है, पानी बनाता है, कहीं जाके निकलेगा जरूरी है। अब सीख
होता नीचे खाई में निकले। अरे नहीं नहीं वो आज रात यहीं रुकोगे, पानी भी नहीं बचा अपने पास। अब यहाँ से तुम ड्रोन उड़ा के देखो रास्ता है कि नहीं है। बहुत ही ज्यादा रिस्की है ये भैया। हाँ चूके तो गए। सावधानी हटी पूरी सब्जी बटी। अब आप रुकिए। नहीं आ गया मुझे। हाँ जी शॉट जाओ भाई शॉट लगाओ तुम। नहीं आप मत पकड़िए बात मानिए पत्थर पकड़े। तुम अपना देखो पहले। जाओ वहां तो पहुंचो। वहां तक अब सीधे नीचे है दलान है। चलो देखते हैं। रुके रहिएगा। तुम कह रहे हो कि तुम देख के आओगे? नहीं मैं कह रहा हूँ मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ नहीं जाइएगा यहाँ से मत रिस्क लीजिएगा किनारे से आ जाइए। इसे कहते हैं बांस क्यों पड़ा है झाड़ में। आ जाओ ये लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में। खुद ही शॉर्टकट लेने के चक्कर में और कुछ नहीं पता कि रास्ता जाता नहीं जाता है। और चढ़ना तो असंभव है। रास्ता वो मिलते हुए तो दिख नहीं रहे। चलो वो देखो डस्टबिन है ना इसका मतलब रास्ता है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अलग शहर में किसी और जगह। तब तक के लिए नमस्कार।